दोस्तों, आपने खबरों में कल शाम से सुना, युवा आरबीआई ने अनाउंस किया है कि अब 2000 के नए नोट्स को मार्केट में नहीं सर्कुलेट करेगी। बट इससे ये क्लियर है कि जो भी नोट्स अभी मार्केट में सर्कुलेट होते रहेंगे वो लीगल टेंडर बने रहेंगे। लीगल टेंडर का मतलब है कि वो आप कहीं भी आप उसे परचेज सेल या परचेज कर सकते हैं, नोट बंद नहीं हुए हैं। लेकिन मेक इट वेरी क्लियर कि नोट्स 2000 का अभी भी चल रहा है, और जिनके पास 2000 के नोट्स हैं सरकार ने आरबीआई ने उनको ऐसा एक समय दिया है कि वो 23 मई से 30 सितंबर तक उन नोटों को किसी भी अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जिसमें भी उनका खाता है उसमें जाकर उन नोटों को से बदल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इस तरीके से 2000 का नोट आप दे सकते हैं कि 2000 का नोट है जो कि आप मार्केट में चलन में नहीं रहेगा, तो 2000 का नोट है आप बैंक में जाइए तो आप उसे ये 500 का या 100 के नोट्स वहाँ से एक्सचेंज में ले सकते हैं, अपने पैसे को जमा करा सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, 2000 नोट्स बंद नहीं हुए अभी 30 सितंबर तक मार्केट में चलते रहेंगे। आप बैंक में जाइए अपने एक्सचेंज कर लीजिए या अपना पैसा जमा करा दीजिए। और वैसे भी आपको बताते चले, पिछले कुछ 2-3 सालों से देखा था कि 2000 के नोट मार्केट में बहुत ही कम थे। बेसिकली 2000 के नोट्स को लाने का जो मकसद था वो जब 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 के नोट बंद हुए, तो उसमें इसलिए लाए गए थे कि इकोनॉमी में मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन बना रहे। एकदम से जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो मार्केट में करेंसी की कमी आ जाती है, और मार्केट में जब करेंसी की कमी आने से इकोनॉमी चौपट होने की संभावना रहती है। सरकार और आरबीआई ने इसलिए कि मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन बना रहे ये 2000 का जो नोट था वो 2016 में लेके आई थी। आपको ये भी बता दें कि 8 नवंबर 2016 से मार्च 2017 तक केवल उन 5 महीनों में ही 2000 के नोट को आरबीआई ने जमकर प्रिंट किया था और मार्केट में सर्कुलेट किया था, और उसके बाद से धीरे धीरे करके जब इकॉनमी स्टेबलाइज होती रही तो फिर 2000 के नोट को मार्केट से धीरे धीरे कम करते चले गए आरबीआई वाले। और आपने नोटिस भी किया होगा, आम तौर पर ज्यादातर 2000 के नोट आजकल बैंकों में एटीएम से वैसे भी कम निकल रहे थे। इसी आंकड़े के तहत 2018 मार्च में 6 लाख करोड़ से ज्यादा 2000 के नोट्स थे एक गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन जो कि अभी मार्च 2023 में केवल 3.6 लाख करोड़ के आसपास बचे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, एक आम आदमी एक मध्यम वर्गीय परिवार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं तो अपनी नजदीकी बैंक में जाकर वहां जमा कर दीजिए, या उसे 500 या 100 रुपये के नोट्स ले लीजिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। सरकार का एक स्टेप है, इसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं स्टेप इसलिए लिया गया जो बहुत सारे बिजनेसमैन बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने 2000 का जो नोट्स था उसको अगर कहीं पर ब्लैक मनी रखा होगा तो उन्हें अभी इस तरीके से उनके पास बहुत सारे गद्दे रहेंगे, 2000 के नोट्स निकलेंगे और उन्हें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक चीज और बता दें कि इससे जुड़ी हुई कि 2000 के नोट जमा करने के लिए एक और पॉइंट है कि एक बार में आप 10 नोट ही जमा कर सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में केवल 20,000 रुपये ही सबमिट कर सकता है। इस बात को जरूर गौर करें और ध्यान रखें, और उम्मीद करता हूं कि आप इस खबर से जरूर परिचित हुए होंगे और आपको सारी जानकारी पूरा पॉइंट मिल गई होगी। तो आप एक बार फिर से देख लें, ये 2000 का नोट 30 सितंबर तक आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद ये आपको देखने को नहीं मिलेगा और यथासंभव 500 1000 रुपये के नोट चलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू, बाय बाय।